हेलो एवरी वन माई सेल्फ लक्ष्मी चंद फ्रॉम मैथमेटिक्स सोल्यूशन आज मैं डिस्कस करूँगा सेकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव तो सबसे पहले हमारा है कि सेकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव इसको हम जो है वाई टू या आपका डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेर और वाई डबल डैश हम इससे इंडिकेट करते हैं सेम हम जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को y1 या फिर आप इसको dy वाई अपॉन डी और y डैस ये आपका फर्स्ट ऑर्डर है डेरिवेटिव और ये आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो सबसे पहले ये रिप्रेजेंटेशन अब इसका आपका d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इसका आपका मतलब क्या होता है डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स ये आपका इसका मतलब है तो मैं क्या इसमें कि जो डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा उसको हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो इसमें आपका ये क्वेश्चन जो है इसमें आपने क्या करना है कि जो भी आपका क्वेश्चन रूल बनता है आप उसको एक प्रोडक्ट रूल में कन्वर्ट कर लें तो आपका टाइम जो है फिफ्टी परसेंट सेव होगा अभी एग्जाम्पल करके दिखाते हैं और दूसरा आपने ध्यान रखना है कि हमारा इसमें कहीं पर भी वेरिफिकेशन मेथड को हम इग्नोर करें हम डायरेक्ट जो प्रूव करना है वो डायरेक्ट रिजल्ट मिलता है तो आपका टाइम उसमें भी सेव होगा तो ये आपने दो पॉइंट माइंड में रखने और तीसरा आपका है पैरामेट्रिक फंक्शंस जो पैरामेट्रिक फंक्शन उनमें आपका डबल डेरिवेटिव मोस्टली गलती होती है तो मैं सबसे पहले पैरामेट्रिक को ही डिस्कस करता हूँ आपका ये क्वेश्चन है इक्वल टू ए कॉस्ट टी प्लस टी साइन टी फाइंड डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर और डी टू बाई अपॉन डी टी स्क्वायर और डी टू बाई अपॉन डी टू एक्स तो ये आपके फोर आपके डिफरेंट हैं तो सबसे पहले मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स सॉरी विद रेस्पेक्ट टू टी देन डी एक्स अपॉन डी टी इट विल बी इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट टी माइनस साइन टी प्लस प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगे होगा क्योंकि ये टी और साइन टी का प्रोडक्ट है तो फर्स्ट आपने टी कॉपी किया डेरिवेटिव ऑफ कॉस साइन टी का कॉस टी एंड अब आपने साइन टी कॉपी किया और डेरिवेटिव ऑफ टी आपका वन तो ये आपका साइन टी और ये आपका कैंसिल हो जाएगा सो दिस विल बी ए टी कॉस टी तो ये आपका डी एक्स अपॉन डी टी अब इसका हमारा क्या मतलब है कि d2x टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायेर इट मीन्स डिफ्रेंसीएट विद रेस्पेक्ट टू टी टी सो मीन्स डी अपॉन डी टी ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी इट मींस डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्र सो डिफ्रेंशिएट दिस इज कॉन्स्टेंट अप्लाई प्रोडक्ट रूल फर्स्ट टी इज कॉपी एंड डेरीवेटिव ऑफ दिस माइनस साइन टी एंड दिस कॉपी कॉस टी And derivative of first t is one. It means it will be equal to minus a t sine t plus a cos t. So this will be answer of d2x upon dt square. Similarly, differentiate this y with respect to t. So this will be dy upon dt. It will be equal to first uh, derivative of this is cos t minus apply product rule t and uh, derivative of this minus sin t plus uh, cos t and derivative of this is uh, 1 it means it will be cos t and a this will be outside the bracket a is constant so a cos t माइनस 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 ए प्लस हो जाएगा टी साइंटी एंड इट विल बी माइनस कॉस्टी सो दिस कॉस्टी कैंसिल आउट विद दिस देयर फॉर इट विल बी ए टी साइंटी सो दिस इज डी वाई अकवांटिटी डिफ्रेंशिएट दिस विद रेस्पेक्ट टू टी देन डी अकवांटिटी ऑफ डी वाई अकवांटिटी सो इट विल बी d2y upon dt square means value of this. So, differentiate this a constant first function derivative of this is cos t and plus sin t and derivative of first is 1. So, this is the d2y upon dt square. If we divide this d2y upon dt square by d2x upon dt square, then you will get d2y upon d2x so d2y upon d2x it will be equal to d2y upon dt square divided by d2x upon dt square so divide these two value so d2x that is a t cos t plus sin t divided by a minus means uh, cos t minus d sine t. So, this is the value of d 2 y upon d t square. So, this is the answer and uh, this is also answer and uh, this is also answer. Then last one that is d 2 y upon d x square. So, to find d 2 y upon d x square. So, d 2 y upon d x square. इट विल बी इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इसका आपका मतलब ये होता है तो पहले मुझे डी वाई डी एक्स फाइंड आउट करना है सो डी वाई अपॉन डी एक्स इट विल बी डी वाई अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी सो ए टी साइन टी डिवाइडेड बाई dx upon dt at cos t. So, this at will be cancelled out then it will be 10t. We have dy upon dx is equal to 10t. Differentiate again with respect to x then it will be d2y upon dx square is equal to टेन टी का आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर टी बाई चेन रूल इट विल बी डी टी अपॉन डी एक्स सो डी टी अपन डी एक्स मीन्स डीएक्स अपॉन डी टी का आप रेसिप्रोकल पुट करेंगे देन सेक स्क्र टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स दैट इज वन अपॉन ए टी कॉस टी सो दिस इज द dt टी अपॉन डी एक्स दैन वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू सेव टी वन अपॉन ए एंड टी सो दिस इज द आंसर ऑफ डी टू वाई अपॉन डी स्क्वायर तो पैरामेट्रिक में आपने ये ध्यान रखना है कि डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायेर है या डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायेर है या डी टू वाई अपॉन डी एक्स डी टू एक्स है या डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है ये नाइनटीन में क्वेश्चन पूछा था तो आप इस पर ध्यान रखो पैरामेट्रिक में मेन आपका ये है कि हम इसको डी टी अपॉन डी एक्स जो है इसको छोड़ देते हैं या फिर हमने दोनों को डि डबल डिफ्रेंशिएट कर लिया एक्स को भी और वाई को भी और उनको डिवाइड कर लिया तो मैं डबल डिफरेंस मीन्स यू विल गेट ओनली डी टू वाई अपॉन डी टू एक्स नॉट डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर सो बोथ आर डिफरेंट इफ वाई इज इक्वल टू ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स देन टू दैट एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायेर प्लस एक्स डी वाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो वो आपका प्रूव आ जाएगा तो अब मुझे इतना मैंने देखना है कि मुझे डी टू वाई अपॉन डी एक्स मतलब मुझे डबल डेरीवेटिव करना है तो फर्स्ट डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स then it will be y dash means dy dx is equal to a is constant cos x means sin log x देखो मैंने cos x लगाया है, तो इस पर मुझे चेन रूल लगाना पड़ेगा मींस log x का डेरिवेटिव 1 upon x plus b अब sin x है तो मुझे इसका cos x x is log x so by chain rule it will be 1 upon x अब मैं यहाँ डिफ्रेंशिएट करता हूं तो मुझे यहाँ कोशियन रूल अप्लाई करना है तो आप क्या करोगे एलसीएम लेके एक्स को लेफ्ट में ले जाओ मींस यार मल्टीप्लाइंग टर्म बाई एक्स देन यू विल गेट एक्स बाई डैस इज इक्वल टू तो माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स डिफ्रेंशिएट अगेन विद रेस्पेक्ट टू तो एक्स देन अप्लाई प्रोडक्ट रूल हेयर फर्स्ट फंक्शन derivative of this by dash is double, y double s, and y dash derivative of x is 1 is equal to minus a constant sine means cos log x and by chain rule log x that is 1 upon x plus b cos is minus sine log x and by chain rule 1 upon x. First eliminate this x so, multiply each term by x, then you will get x square y double dash plus x y dash is equal to minus is common here, write a cos log x plus b sin log x. So, this is given to you y, it means write y here and transpose this side to that side means you will get. वाई स्क्वायर वाई डबल डैस प्लस एक्स वाई डैस प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो सो इट वॉज़ योर प्रूफ तो ये मैं आपको अब इसमें सपोज करो मैंने ये डायरेक्ट अप्लाई किया है तो मेरा फिफ्टी परसेंट टाइम इसमें सेव हुआ है यदि मैं इसमें पहले डी वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स निकाल एक्स स्क्वायर निकालता डी वाई अपॉन डी एक्स निकालता और उन वैल्यूज़ को यहाँ पोट करता तो उसके बाद फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करता तो आप आंसर जीरो शो करते तो उसमें आपका डबल टाइम लगेगा नेक्स्ट आपका है ये अभी 19 में आपका आया था और 16 में भी आया था तो x इज इक्वल टू साइन टी एंड वाईल टू दिस दैन प्रूव दैट दिस तो देखो ये आपका ये पैरामेट्रिक फॉर्म है तो आप फर्स्ट डी एक्स अपॉन्डीटी डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी सो इट विल बी कॉस टी एंड डिफरेंसीट दिस विद रेस्पेक्ट टू टू दैन डी वाई अपॉन डिटी इट विल भी इक्वल टू वाई सॉरी इट विल भी इक्वल टू साइन पी टी का मीन्स कॉस पी टी एंड बाई चे रूल इंटू पी अकॉर्डिंग टू दिस डी वाई अपॉन डी एक्स सो डिवाइड दिस बाई दिस मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज कॉस पी टी इंटू पी अपॉन कॉस टी अब मुझे इस प्रूव में कॉस नहीं चाहिए तो कन्वर्ट दिस इंटू एक्स और वाई सो दिस कॉस पी टी यू कैन राइट वन माइनस साइन स्क्वायर पी टी and cos t it can be written as 1 minus sine square t so sine t is x and sine pt is y and this p is here it means uh, dy upon dx it will be equal to p this is, this is constant and 1 minus y square upon 1 minus x square root of this अब यहाँ देखो ये यह हमारा डिवाइड में है तो मैं इसको प्रोडक्ट रूल में चेंज करता हूँ तो मैं इसको इधर लेके आता हूँ मीन्स यू कैन राइट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ दिस एंड डीवाई डी एक्स राइट दिस वाई डेस इज इक्वल टू पी वन माइनस वाई स्क्वायर रूट ऑफ दिस एस इज इक्ल टू पी स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड तो मैंने इसका स्क्वायर किया रूट कैंसिल हो जाएगा इसका स्क्वायर आपका वाई डेस स्क्वायर हो जाएगा इसका स्क्वायर पी स्क्वायर इसका रूट कैंसिल एंड डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स फर्स्ट कॉपी किया इसका डेरीवेट टू वाई डैस और वाई का वाई डबल डैस बाई चेन रूल अब आपने इसके कॉपी किया इसका डेरिवेटिव माइनस टू एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है इसका डेरिवेटिव माइनस टू वाई और वाई डैस एंड डिवाइड द होल इक्वेशन वाई टू एंड वाई डैस तो टू और वाई डैस से डिवाइड करेंगे तो आपका ये कैंसिल आउट होगा एंड टू और वाई डैस से करेंगे तो ये आपका एक कैंसिल आउट होगा टू और वाई डैस से करेंगे तो आपका ये कैंसिल आउट होगा इट मीन्स यू विल गेट वन माइनस एक्स स्क्वायेयर वाई डबल डैस एंड माइनस एक्स वाई डैस एंड ट्रांसपोज दिस फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड मीन्स दैट विल बी प्लस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो सो इट इज़ द प्रूव ऑफ दिस क्वेश्चन तो आपने यहाँ पर जैसे मैंने इसको प्रोडक्ट किया आप इस फंड आपको यूज़ करेंगे तो आपका फिफ्टी परसेंट टाइम सेव होगा तो आप इससे यूज़ करो थैंक यू थैंक यू स्टूडेंट्स देन आई विल सेंड सम क्वेश्चन टू यू सॉल्व देम एंड राइट द कमेंट थैंक यू थैंक यू स्टूडेंट्स